सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस तरह से एक नदी अपनी बहुत से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना देती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों जाया ना करो अपने अल्फाजों को हर किसी के लिए, बस खामोश होकर देखो आपको समझता कौन है। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। आज का पंचांग 12 मार्च 2021 दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:02 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 10:51 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कुंभ राशि पर ही रहेंगे। सिंह राशि 12 मार्च 2021 दिन शुक्रवार, अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं है तो आज उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। उनकी भी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। सामने वाले को ना तो इतनी छूट दे के आपको रोन कर आगे बढ़ जाए, ना ही बहुत रूखा व्यवहार करना ठीक होगा। ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है, सतर्क और सक्रिय रहें। घर के रखरखाव तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। रिश्तों में सुधार आएगा तथा चारों तरफ से खुशियां महसूस होगी। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूरा करने के लिए उचित समय है। हर किसी विषय में आपके ही निर्णय को लोगों द्वारा सहमति मिलने की अपेक्षा रखना आपके लिए और लोगों के लिए भी तकलीफ दायक हो रहा है, जिसके कारण जो लोग आपके करीबी थे वह दूर जाने लगे हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की कोशिश जरूर करें, लेकिन इसके कारण आपकी ईगो भी बढ़ रहा है, इस बात पर भी ध्यान दें। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोग अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। खुद के प्रति अधिक सकारात्मकता दिखाना भी आपके रिलेशनशिप के लिए तकलीफ हो सकता है। शुगर के पेशेंट को अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, कभी कभी आपका गुस्सा और बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरे के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अपनी नकारात्मक गतिविधि पर विजय हासिल करना जरूरी है। घर में आप किसी अप्रिय व्यक्ति के आगमन से नकारात्मक माहौल बन सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच मधुरता रहेगी। दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर होने से सभी को खुशी और आनंद महसूस होगा। आज के दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है वो लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज के दिन नए सिरे से अपने दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज के दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का भी समय है। दूसरी ओर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे आपका नहीं बनता है और ये समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का भी समय है। बात करते हैं करियर की। आपके प्रतियोगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी विस्फोटक आत्मविश्वास की भावना आपको अपराजय रखेगी। इस समय आप अपना विनम्र स्वभाव बंद करें ताकि कोई आपका अनुचित लाभ ना ले। आपको कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है
जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए नए अनुबंध विकसित होंगे तथा रुके हुए काम भी निपटेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह भी अवश्य लें। नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन कोई नया स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसके आप हाल फिलहाल अपेक्षा करते आ रहे हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। नई योग क्लास में हिस्सा लें या दूसरी रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं। आपके जीवन में अब इनकी खासी आवश्यकता है। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।